क्योंकि आज मैं दिल्ली से आया हूँ और हमारे सब जो कार्यकर्ता साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रेम करने वाले लोग हैं, मेरे मिलने वाले लोग हैं, ऐसे सब लोगों ने चीन में आते ही इस प्रकार का स्वागत का कार्यक्रम शुरू कर दिया था और आज उचाणा में भी भव्य स्वागत हुआ है। ये यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाले लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करने वाले लोग हैं, ऐसे सब लोगों को बड़ी खुशी है कि मुझको केंद्रीय नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया है और राज्यसभा सदस्य के नाते मुझे नॉमिनेट किया। सर, राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं लेकिन उनकी नेता पार्टी छोड़ रही है, उसको देखिए। राहुल गांधी जी एक जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसकी कोई दिशा है। एक दिशाहीन कांग्रेस पार्टी, एक बिना विजन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पास है और धीरे धीरे जिस पार्टी के पास आज के दिन में नेतृत्व नहीं है, जिसके पास नीति नहीं है, जिसके पास नियत नहीं है, जिसके पास कोई योजना नहीं है, है तो केवल और केवल एक सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, एक ऐसी सरकार जो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, युवा के कल्याण के लिए काम कर रही है, महिला और किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है तो केवल उसका विरोध है। इसीलिए आज जनता इस बात को समझ गई है और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को समझ गए हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को सक्षम नेतृत्व देने में आज वो काबिल नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जैसे 75 साल का नारा था वैसे अब 73 का नारा भी इनका वैसे ही रहेगा। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले अपनी पार्टी को वो संभाले। देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी टूट रही है, हरियाणा के अंदर भी उनकी पार्टी किस प्रकार से टुकड़ों में बटी हुई है, किस प्रकार से उनके नेता छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनके गढ़ रोहतक में ही उनके मजबूत एक नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, अनेकों नेताओं का शामिल होने का सिलसिला जारी है। सर, किसान आंदोलन आंदोलनकारी बैठे जो दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है, ऐसे में हाईकोर्ट ने भी बोल दिया कि रास्ते बंद करना कौन सा। देखिए, निश्चित रूप से ये इस प्रकार का जो आंदोलन होता है समस्याओं के कारण से होता है, समस्याएं इसमें से निकल कर भी कई बार आती है। मैं केवल यही एक उम्मीद कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सकारात्मक रूप अपनाए हुए है, कैसे किसान वर्ग का भला हो इसके लिए पूर्व में भी काम किए गए हैं और मैं समझता हूँ चाहे वो किसान के लिए सम्मान निधि की बात हो, फसल बीमा योजना हो, लाभकारी मूल्य देने की बात हो, जितना फसलों का भाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को दिया गया है उतना कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अपने समय में नहीं दिया गया। किसानों को विश्वास करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। निश्चित रूप से मिल बैठ करके जो चर्चाओं का दौर चल रहा है उसके चलते सब समस्याओं का समाधान होगा, ये किसान की उम्मीद मैं कर सकता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।